आज मैं आपके साथ कच्चे केले की रेसिपी शेयर करूंगी। आज हम कच्चे केले की सूखी सब्जी बनाएंगे। टिफिन के लिए तो बहुत ही अच्छी है ये रेसिपी। लंच और डिनर आप कभी भी बना सकते हैं। बहुत ही चटपटी और सूखी सब्जी बन के रेडी होती है। बहुत जल्दी बन के रेडी होती है, इसलिए आप इसे कभी भी बना सकते हैं। कच्चा केला हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और साथ ही हमारे हार्ट अटैक को भी आने से रोकता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो नीचे लाइक का बटन है, उसे जरूर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको मज़ेदार रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी हेल्दी और चटपटी सूखी केले की सब्जी। सबसे पहले हम ले लेंगे कच्चा केला। यहाँ पे मैंने 2 कच्चे केले का यूज़ किया है। इसको हम सबसे पहले छील लेंगे और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको बारीक कट कर लिया। बहुत ज़्यादा मोटे पीसेस में हमें इसे नहीं कट करना है। और उसे साथ ही हम कट कर लेंगे आलू। आलू को भी मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। तो चलिए अब तड़के की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देंगे कढ़ाई में ऑयल। मैंने यहाँ मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। तेल गर्म होने के बाद हम उसमें डाल देंगे जीरा, तेज़पत्ता और 4 से 5 लौंग के पीसेस। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज और हरी मिर्च। इसको डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लाइट ब्राउन होने तक हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो चलिए जब तक प्याज पकता है तब तक हम मसाला रेडी कर लेते हैं। एक बाउल में हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा पानी अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए, मैंने से मसालों का एक गाढ़ा सा पेस्ट रेडी कर लिया है। तो ये देखिए, प्याज भी हमारे पक चुके हैं। अब हम डाल देंगे अदरक और लहसुन। मैंने यहाँ पर अदरक और लहसुन को कूट के डाला है। आप चाहे तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको और 2 से 3 मिनट पका लेंगे। ये देखिए, पक चुका है। अब हमने जो मसाला रेडी किया है वो मसाला हम इसमें डाल देंगे। एक बार इसको हम पहले एक बार अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लो फ्लेम पे हम इसे 2 से 3 मिनट और पका लेंगे जिससे मसाले हमारे अच्छे से पक जाएं। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटे हुए केले और आलू। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। गैस का फ्लेम अभी हमें लो ही रखना है। एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। बीच बीच में हमें इसे चलाते रहना है। ये देखिए, इसको मुझे पकाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक देंगे और एक बॉयल आने देंगे। गैस का फ्लेम अभी हमें हाई रखना है। जैसे इसमें एक बॉयल आ जाएगा हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे। ये देखिए, 3 से 4 मिनट हो चुका है। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। केले और आलू को हम इस तरह से दबा के देख लेंगे ये हमारे पके हैं कि नहीं। तो अभी मुझे थोड़े कच्चे लग रहे हैं इसलिए मैं इसको 2 से 3 मिनट और पकाऊंगी लो फ्लेम पे। तो ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और केले और आलू दोनों हैं वो पक चुके हैं अच्छे से। तो हमारी सब्जी बन के रेडी है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारी कच्चे केले की सूखी सब्जी बनकर रेडी है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। टिफिन में बनाना है आप टिफिन में बना सकते हैं, लंच में, डिनर में, कभी भी आप इसे बना के खा सकते हैं। पूड़ी, पराठा, रोटी, किसी के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, हमारी सूखी चटपटी केले की सब्जी बनके रेडी है। ये बहुत ही यमी लगती है खाने में। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।